लाखों राम भक्तों की प्राणों की आहुतियों के बाद आज राम निर्माण का नींव का वक्त आया है और इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? कैसी अनुभूति महसूस कर रहे हैं आप इस माहौल को देखते हुए जो अभी चल रहा है? आपको पता होना चाहिए कि 5 सालों से वनवास हर हिंदू की आस्था से जुड़ा हुआ मामला, अयोध्या में भव्य राम मंदिर जिसको कुछ विध्वंसी लोगों ने आके मंदिर को तोड़ के एक बाबरी मस्जिद ढा दी थी, कुछ हमारे कार सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर उस बाबरी ढांचे को गिराया। आज मैं हर्षित कह सकता हूँ, आज वो लाखों हिंदू आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज उस राम मंदिर को बनते हुए देखने चाहते हैं। दिवाली तो हम हर साल मनाते हैं, लेकिन सच्ची दिवाली आज हमारी बन रही है जब प्रभु राम आज अपने घर में रह रहे हैं। लोग आज तक हम अपने घरों में रहते थे, छत के ऊपर रहते थे, लेकिन प्रभु राम फटी त्रिपाल में रहते थे। चूहे काट रहे हैं, धूप लग रही है, छाव लग रही है, 125 करोड़ के बीच 100 करोड़ हिंदू होते हुए भी जब हमारे प्रभु राम 5 सालों में एक त्रिपाल के नीचे रह रहे थे, आज उनको अपना छत्र अपना घर मिल रहा है, इससे ज़्यादा खुशी किस हिंदू को नहीं होगी? अगर जिस हिंदू को ये खुशी नहीं होगी शायद वो हिंदू नहीं होगा। आज पूरे देश को 125 करोड़ देशवासियों को बड़ी खुशी है और इसको गवर्नमेंट महसूस कर रहे हैं। हर जगह लड्डू वितरण किए जा रहे हैं, धूप और हर जगह देसी घी के दिए जलाए जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आज लग रहा है कि सच्ची दिवाली आज आई है। पहले आप और हम रामायण देखते थे, 14 साल बाद वनवास को जब राम ने अयोध्या को करा था तब पूरी अयोध्यावासी खुश थे और पूरी अयोध्या ऐसी नगरी सजा दी थी। इसी तरह आज पूरे देश भारत देश को इसी तरह दुल्हन की तरह सजाया गया है। आज मैं और कहना चाहता हूँ, अगर देश की पहचान तुम्हारे तेजो महल से होती थी, आज मेरा एक ही कहना है कि अगर भारत की पहचान हो तो राम मंदिर से हो, इससे बड़ी खुशी हमें और कुछ नहीं हो सकती। कुछ अवसरवादी लोग राम मंदिर का विरोध करते थे, आज राम राम चिल्ला रहे हैं, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए, कैसे निपटेंगे इन लोगों से आप? देखो ये तो भगवान प्रभु राम का वो है, जहाँ में तो सभी आते हैं, गंगा में सभी जाते हैं, पापी भी जाते हैं, अच्छे लोग भी जाते हैं। जब जमुना जी में गंगा जी में नहाके सब पवित्र हो जाते हैं, गंगा जी कभी देखती हैं कि ये पापी है या सही है? अगर उनकी भी प्रभु राम ने बुद्धि सही कर दी है तो हम तो उनको झोरी बांध के उनको अपने साथ लेना चाहते हैं और हम इस देश को हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं। यही प्रभु की राम की कल्पना है और ये देश हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, ये भी हमारा विश्वास है। कांग्रेस ने हमेशा भरसक प्रयास किया है कि राम मंदिर ना बन सके, आज जब राम मंदिर बनने जा रहा है तो कांग्रेस भगवान की शरण में है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? तो पता चलना चाहिए, पूरे लोगों ने उनको नकार दिया है, कांग्रेसियों को, और जो थोड़ी बहुत है सीटें बची हैं शायद उन्हें लगती है प्रभु राम शायद नैया पार कर दे, तो इसी नैया के सहारा कौन नहीं लेता है प्रभु राम का, इसीलिए कांग्रेस आना चाहती है। लेकिन अब तो दुनिया जानती है कांग्रेस का चेहरा, 2 तरह का चेहरा नहीं चलता है, जो कभी टोपी भी लगाता है, कभी क्रिश्चियन भी बन जाता है, कभी हिंदू भी बन जाता है। पहले तो कांग्रेस को ये सिद्ध करना चाहिए कि वो हिंदू है कि क्रिश्चियन है या मुस्लिम है, जब तक ये क्लियर नहीं होगी तब तक हिंदू वोट कैसे दे देगा। अभी यही क्लियर नहीं हो पाया कि कांग्रेस किसका चाहती है, हिंदुओं का चाहती है, मुसलमानों का चाहती है, क्रिश्चियनों का चाहती है? अगर वो आते हैं प्रभु राम के वाम में तो हम तो उनके साथ तैयार हैं। तो इससे पहले हम पे 2 मुद्दे और हैं, एक अपना मथुरा में है, मथुरा को जैसे कार सेवकों ने अयोध्या में ढाई है, आप कांग्रेस से हम कहना चाहते हैं आप अयोध्या खाली करवा दीजिए, हम फिर जय जयकार करेंगे आपकी, जैसे बीजेपी को बना है उसी तरह कांग्रेस को बनाएंगे। अयोध्या काशी हमें दे दीजिए, जैसे बीजेपी ने हमें दे दिया राम मंदिर, आप अयोध्या काशी दे दीजिए, हम तुम्हें फिर गले से लगाएंगे, आपकी जय जयकार करेंगे। कांग्रेस से हम कहना चाहते हैं, इसलिए वो प्रभु राम की शरण में आने चाहते हैं। राम तो हमारे आ गए, अब आप प्रभु कृष्ण की शरण में जाइए, शायद आपका उद्धार हो जाएगा। राम मंदिर निर्माण का श्रेय किसको देना चाहेंगे? ये श्रेय उन
हजारों कार सेवकों को दया जाएगा जिन्होंने गोली खाते हुए बाबरी ढांचे को गिराया था, उन्होंने कभी परिवार को नहीं देखा था और सीने पे गोली खाई थी। मुलायम सिंह जी से कहना चाहते हैं, जो मुलायम सिंह ने सामने से गोलियां चलवाई थी आज उसी मुलायम सिंह को मरने नहीं देंगे जब तक वो अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनते देख लेंगे। आज वही कार सेवकों का शहर जिन्होंने जीते जी राम मंदिर को वो करा था, आज मुझे दुख इस बात का है कि वो मंदिर नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उनका परिवार देखना चाह रहा है। उस परिवार को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ऐसे सबूत पैदा किए और बाबरी ढांचे को गिराया। मैं इससे ज़्यादा खुशी और किस बात की होगी। आज मैं इस राम मंदिर की अगर किसी को भी ज़्यादा श्रेय जाता है तो उन कार सेवकों को जाता है जिन्होंने इतनी बड़ी आहुति दी थी इस मंदिर के बारे में। लॉकडाउन अवधि के बाद क्या रामलला के दर्शन करने के लिए जाना चाहेंगे आप अपने संगठन? बिल्कुल, हम 21 तारीख को यहाँ से अपने जत्थे के साथ अपना हमारा राष्ट्र हिंदू परिषद भारत हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं रामलला के दर्शन करने जाएंगे। अभी क्या है कि आज लॉकडाउन का वो है, उसमें अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं, ठीक है। 21 तारीख को हम जत्थे के साथ प्रभु राम के दर्शन करने जाएंगे। पहले कई बार गए हैं, हमने तो प्रदर्शन भी आपने देखे होंगे, हम तो सरयू के घाट पर 3-3 दिन तक भूखे प्यासे डले रहे, सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर बने। लेकिन आप क्यों नहीं जाएंगे, दर्शन भी करके आएंगे और जो हम पे बनेगा वो भी करके आएंगे। बस प्रभु के दर्शन की लालसा है कि हम कब जल्दी जाएं और दर्शन करके आए प्रभु राम के। आज देश में दीपावली जैसा माहौल है, देश में मानो एक दूसरी दीपावली है आज, तो राम भक्तों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? राम भक्तों से एक ही कहना चाहता हूँ कि अब देश में राम राज्य आ गया भाइयों, और जो पक्का राम भक्त है, पक्का हिंदू है, वो अपने घर पे आज 11 दिए जरूर जलाएं, क्योंकि हम सब संतान प्रभु राम की है, ये देश प्रभु राम का है। इसको अगर राजनीति में बांटोगे तो ये नहीं होगा। मैं सभी अपने देशवासियों से, सभी जितने भी संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता जितने भी संगठन चल रहे हैं उनसे एक ही अपील करूंगा, सभी आज अपने घरों पर दिए जलाएं और प्रभु राम को हाथों हाथ अपने घर में विराजमान करें, यही मेरी आलोचना है और यही मैं उनसे उम्मीद करता हूं। सर, आपको विवाहित बहनों के लिए जाना जाता है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि जो भी है न्यूज वगैरह सब आपको विवाहित बहनों के लिए जानते हैं, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये बताऊं, मैंने आज तक कौन सा विवाहित बयान दिया है? अब मैं बता दूं आपको, फारूक अब्दुल्ला पे मैंने दिया था कि जो भी उसका सिर काट के लाएगा 1,00,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला ने हमारे फौजियों को क्या कहा था कि हमारे फौजी बलात्कारी हैं, ये शब्द मेरा तो विवादित कर दिया, उनका विवादित नहीं था। फिर सलमान खान ने हमारी लव रात्रि, जो लव यात्री मूवी आती है जिसको उसने लव रात्रि बना दिया था, जो हमारे नवरात्रि आती है उसका नाम लेके ऐसी पिक्चरें बनाई जा रही हैं, उस पर मैंने कह दिया था जो भी इसके सेट को आग लगाएगा। उसके बाद सलमान खान ने बात भी की थी और सलमान खान ने अपनी मूवी का नाम चेंज करा था, ये मेरा सौभाग्य है। इसलिए अब तो विवादित कहो कुछ भी कहो, लेकिन जो भी हमारे हिंदुओं के साथ हमारे देश के साथ खिलवाड़ करूँगा मैं उसको मुँह तोड़ जवाब देता रहूँगा। इसके लिए अगर जान भी जाए तो जाएगी, इससे मुझे डर नहीं लगता। हमारे चैनल के माध्यम से आज इस दूसरी दीपावली के पर्व पर कुछ जनता को, कुछ देश को या समाज को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं MNV को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आप जन जन तक आवाज़ पहुँचाते हैं, सच्ची आवाज़ पहुँचाते हैं। हकीकत की जो एक होती है, एक जो एक दिखावा करते हैं वो चैनल नहीं है, जो सत्य बात है वो आप दिखाते हैं। इसके लिए मैं MNV को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये चैनल दिनों दिन रात दिन और चौगुनी करे और आगे बढ़े और ये एक इंटरनेशनल न्यूज बने, यही मेरी मनोकामना है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।